मिस हो रहा हो तो इस तरह से आप याद कर लेते हैं। तो या फिर कोई ऐसी चीज जो इजीली आपको याद हो जाए, अगर आपको बड़ी चीज को याद करना हो तो उसको इजी वे में बनाने के लिए तो उसको आसानी से कैसे याद करें, शॉर्टकट में कर लेते हैं, है ना। जैसे 5000 वर्ड का कोई आपको एस्से लिखना है तो उस एस्से में कौन कौन से टॉपिक्स आपको डालना है, पहले इंट्रोडक्शन बताना है कि इंट्रोडक्शन परिचय उसके बारे में, फिर उसके बाद जो है ना उसको दिखता कैसा है, हाँ उसका स्ट्रक्चर बनाए बताएंगे आप, दो चार लाइन उसमें लग जाएगा, फिर उसका वो कैसे जो है उसका दिनचर्या है, उसका मूवमेंट क्या है, हाँ उसके यूजेस एंड डिस यूजेस, हाँ मिस यूजेस, उसके फायदे और उसके नुकसान क्या हैं, इनके बारे में आप चर्चा करेंगे, तो इस तरह से आपका पूरा एसे कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। और इस तरह से अगर आप प्लान करके नई चीज़ों को याद करेंगे ना तो कोई भी चीज़ आपको याद नहीं आएगी जब आपको ज़रूरत होगी, ठीक है। तो जैसे हम यहाँ पे जो है ना इन स्टेट्स का नाम आपको जो है कविता के माध्यम से एक जैसे वो होता है ना दोहा उस टाइप का हो जाएगा, हाँ तो आपको याद करने में आसानी हो जाएगी। तो हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं पंजाब, हाँ इसका नाम सभी लोग जानते हैं, ये पंजाबी है, पंजाब का नाम पंजाबी है, पंजाब एक स्टेट है। अब राजस्थान है तो इसको हमने शॉर्ट में लिख दिया राज, हाँ इसको आप एक्सप्लेन कर लेंगे इजीली, सब लोग कर लेंगे, पंजाब राज गुजरात, हाँ पंजाब राज गुजरात, हाँ गुजरात कर लेंगे, पूरा कर लेंगे गुजरात। उसके बाद फिर हिमाचल हरियाणा, हिमाचल हरियाणा उत्तर बिहार, हिमाचल हरियाणा उत्तर बिहार, उत्तर माने उत्तर प्रदेश, हाँ उसके बाद मध्य, मध्य महाराष्ट्र, महाराष्ट्र कर्नाटक, कर्नाटक केरल, उसके बाद तमिल आंध्र उड़ीसा बंगाल, ठीक है। पंजाब राज गुजरात कश्मीर हिमाचल हरियाणा उत्तर बिहार मध्य महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिल आंध्र उड़ीसा बंगाल, ये आपको याद करना है, हाँ याद करने के अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है, आप 10 बार पढ़ेंगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद सिक्किम, ये 7 सिस्टर्स हैं, हम सिक्किम असम, सिक्किम असम मिज, सिक्किम असम मिज मणिपुरा, सिक्किम असम मिज मणिपुरा मेघा, मेघा माने मेघालय, हाँ मेघा नागा नागालैंड, मेघा नागा अरु अरुणाचल प्रदेश, अरु माने अरुणाचल, अरु त्रिपुरा, मेघा नागा अरु त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सारे स्टेट्स हो गए आपके 28, आप इसको गिन सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से मैंने भी याद किया, अदरवाइज मैं इसी को पंजाब को 2 बार पढ़ता, हाँ उत्तर प्रदेश को कई बार पढ़ा। अच्छा इसके अलावा जो है ना जो जिन स्टेट से जो है कुछ स्टेट अलग हुए हैं, हाँ तो जैसे उत्तर प्रदेश से जो है जो अलग हुआ है उसका क्या नाम है उत्तराखंड, इसको अलग से आप जान लीजिएगा, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ है, मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ है उसका क्या नाम है मद्रास, गोवा, गोवा, मध्य प्रदेश से
बिहार से एक अलग हुआ है उसका झारखंड है, और मध्य प्रदेश से जो अलग हुआ है, अच्छा इसमें गोवा भी है, हाँ एक स्टेट, ये यूनियन टेरिटरी था पहले गोवा, अब इसको स्टेट का दर्जा मिल गया है, ठीक है, गोवा को स्टेट का दर्जा दे दिया गया है। तो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ स्टेट जो बना है वो है उत्तराखंड, बिहार से अलग हुआ जो है वो है झारखंड, आंध्र प्रदेश से एक स्टेट अलग हुआ है उसका नाम है तेलंगाना, उसका क्या नाम है, तेलंगाना। और मध्य प्रदेश से एक स्टेट अलग बना है अभी जल्दी, इसका नाम है, तो ये जो है ना टोटल आपके 36 स्टेट्स हो गए, ठीक है। अब इसको याद आप कैसे करोगे, पंजाब राज्य गुजरात कश्मीर, कश्मीर नहीं है, कश्मीर जो है अब अभी जल्दी हुआ है उसको यूनियन टेरिटरी कर दिया, ठीक है, नहीं तो पहले वो भी फ्री स्टेट था, वहाँ पे वहाँ का मुख्यमंत्री होता था, सारा जो है गवर्नेंस वहाँ का स्टेट वाले करते थे, हिमाचल हरियाणा उत्तर बिहार मध्य महाराष्ट्र कर्नाटक केरल तमिलनाडु उड़ीसा बंगाल सिक्किम असम मिज मणिपुरा मेघा नागा और अरु माने अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा, ठीक है। तो ये सेवन सिस्टर्स हैं यहाँ से, मेघा